तरीके से मारा मैंने को, नमक से मिर्ची से चले पानी आ रही है कई से मार रहा है उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस हिरासत में एक सफाई कर्मचारी की मौत का मामला सामने आया है। सफाई कर्मी के परिजन ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कराया है। मुकदमे में किसी को नामजद नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस अधिकारियों के मुताबिक एक इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में विपक्ष सरकार पर हमलावर है और स्थानीय अधिकारी मरने वाले सफाई कर्मी के परिजन को मनाने में जुटे हैं ताकि मामला तूल ना पकड़े। पुलिस के मुताबिक ये केस आगरा के जगदीशपुरा थाने का है। बीते शनिवार को थाने के मालखाने से 25 लाख रुपये की चोरी हुई थी। इस चोरी की जांच के दौरान पुलिस ने थाने में काम करने वाले सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि को मंगलवार दोपहर 4 बजे ताजगंज थाना इलाके से हिरासत में ले लिया। पुलिस का दावा है कि सफाई कर्मी से पूछताछ के बाद पुलिस ने 15 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बरामद की। पुलिस का दावा है कि बाकी रकम की बरामदगी के लिए उससे पूछताछ की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान देर रात सफाई कर्मी की हालत बिगड़ गई। थाना जगदीशपुरा में आज से 3 दिन पहले एक घटना हुई थी, जिसमें थाने के अंदर मालखाने से एक बॉक्स में करीब 25 लाख रुपए चोरी किए गए थे। उस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने अरुण नामक एक व्यक्ति पर उनको संदेह हुआ, जो कि थाने में ही स्वीपर का कार्य करता था। इस संदिग्ध को कल जब लाया गया, पूछताछ की गई, तो उसने अपना इन्वॉल्वमेंट बताया और परिवार वालों के साथ में उसकी निशानदेही पर उसके घर पर रिकवरी करने के लिए पुलिस टीम गई। करीब 15 लाख रुपए उसके घर से रिकवर हुए। वहीं पर जो बताया गया है, वहीं पर उसकी तबीयत खराब हुई, उसको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में ही वॉज ब्रॉट डेड और उसके बाद अभी आगे की वैधानिक कार्रवाई चल रही है। अरुण की पत्नी सोनम रोते हुए सवाल करती हैं कि अब उनके 2 बच्चों की देखभाल कौन करेगा। सोनम आरोप लगाती हैं पुलिस वालों ने उन्हें मार दिया, तरीके से मारा इनको, नमक से मिर्ची से चले पानी आ रही है कई से मार रहा है बताओ ना मेरे छोटी छोटी सी बच्ची महीने की बच्ची एक तो दो वो लाल को मार दिया एक लाल एक लाल तो लाली मेरा लाल मार दिया। अरुण की मां विमला देवी रोते बिलखते कहती हैं, मेरे लाल को जिस पुलिस वाले ने मारा है उसे मैं पहचान लूंगी, ये थाने में सफाई का काम करता था। कौन से थाने में? हरी परवाजा में जगदीशपुरे वाले थाने। क्या हुआ उसके साथ? उसको चोरी का इल्जाम सुना था साहब। 2 दिन पुलिस आई, जब तक बस्ती में कोई हंगामा खाली उसकी पब्लिक को उठाकर लेके उसके परिवार को, उसके बाद में वो हाथ नहीं आया तो भाई बस्ती के लोग उठाने लगा। अब वो कल 4 बजे हाजिर हो गया, पकड़ा गया है कहीं ताजगंज में। रात भर उस रात ही में खत्म कर दिया, वो सच नहीं बोल पाए। सब इसमें हाथ पुलिस वालों का ही है। थाने में सफाई करता था, ये ताला वाला बोता तोड़ नहीं सकता सफाई वाला। ये पुलिस के जरिए से चोरी हुई है और इन्होंने नाम आने से पहले ही उसको खत्म कर दिया है। आज हमारे बेगुनाह बच्चों को पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं? बोला गरीब खा रहे हैं, कहाँ से खाएं हमारे बच्चे? रात को होटल से बच्चा मेरा आया, सड़क पे से हाली हाल उठा के नहीं नहीं रख लिया। मैं रोती चिल्लाती रह गई, झाड़ रहे और तुम्हें कहाँ जाऊँगा? तो एक सोते हुए उठा के ले गया मेरे ऊपर वाले कमरे में, जहाँ घुस गए मुझे धक्का मार के। मेरे घर में कोई भी बच्चा नहीं था, लेडीज को भी धक्का मार दिया 3 पुलिस वाले। हम कह रहे बाबूजी नहीं है हमारे बच्चे नहीं है, फिर भी ना हमको धक्का मार दिया, ऊपर छड़े चले गए। छत पे सोता हुआ बच्चा बहू के बगल में से उठा लिया, और एक लड़का मेरे होटल से आते आते ना पुलिया पे से उठा लिया, गाड़ी नहीं खड़ी थी उनकी। जगदीशपुरा में अरुण के परिवार वालों की शिकायत के आधार पर इस मामले में 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि ये मुकदमा लिख दिया गया है, लेकिन उसमें किसी पुलिस वाले को नामजद नहीं किया गया है।
पुलिस के मुताबिक विवेचना के दौरान परिवार वालों की पहचान के आधार पर इसमें पुलिस वाले को नामजद किया जाएगा। हमको सूचना मिला है पुलिस बरामदी करते समय एक आदमी का अचानक तबीयत खराब होते ही वो पुलिस कर्मचारी और प्लस उनका परिवारजन हॉस्पिटल ले गया था, वहाँ पे मृत्यु घोषित हो गया था। वो सूचना मिलते में तुरंत डीएम साहब का रिक्वेस्ट कराया, पंचायतनामा मजिस्ट्रेट के माध्यम से लिखना है और साथ साथ पैनल का साथ पोस्टमार्टम होना है वीडियोग्राफी के साथ साथ, और एज पर NHRC गाइडलाइंस पूरा कार्रवाई होना है, निष्पक्ष जांच होना है, और साथ साथ हमने तुरंत परिवारजनक से एप्लीकेशन लेके FIR भी दर्ज कराया, और उसी घटनाक्रम पे जो कर्मचारी जो बरामदी के लिए गया था उनमें एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, 3 पुलिस कांस्टेबल का मैं तुरंत निलंबन करा दिया है, और बाकी इंक्वायरी कमेटी SP ईस्ट के माध्यम से इंक्वायरी कमेटी भी सेट कर दिया पूरा घटनाक्रम का क्या है, और बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, बाकी उसके आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन में जो निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होगी। सर, 302 की जो FIR हुई है इसमें आगे क्या होने वाला है? उस पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा और साथ साथ उनका परिवारजन का बयान होगा सब, बाकी घटनाक्रम की इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, इंक्वायरी कमेटी होगा और मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी होगा इस पर, उसके आधार पर जो भी उस पर इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस मिलेगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। आगरा के जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन अरुण के परिवार वालों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि मामला तूल ना पकड़े। सरकार की नहीं घोषणा ये कि एक सरकारी नौकरी और उसके जो बच्चे की व्यवस्था है करी जाएगी, उसके उनके बच्चे की व्यवस्था करी जाएगी वो देख करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं कहूँगा उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। लगता है कि संतोषजनक है पूरा मामला, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। सर, पुलिस मुख्यमंत्री जी की कार्रवाई से संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट। आगरा प्रशासन जो कार्रवाई की है बिल्कुल संतुष्ट।